हेलो हेलो गाइज हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइज आई एम ऑर्डेबल क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई एम ऑडेबल और विजिबल क्लियरली एक बार मुझे फटाफट फड़ जल्दी से बता दीजिए सभी स्टूडेंट की मेरी वॉइस क्लियर आ रही है मैं क्लियरली ऑडिबल हूं एंड नाउ आई एम क्लियरली विजिबल ऑल्सो एक बार फटाफट फड़ जल्दी से बता दीजिए कम ऑन फास्ट सो गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग सर क्लास टेंथ की फ़िफ्थ नंबर की वीडियो हिडन है गाइज़ ऑलरेडी मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ रेगुलर क्लास कर लिया करो रेगुलर क्लास कर लिया करो कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं वीडियो हिडन हो जाती है आपसे कहते कहते थक गया कि लाइव क्लासेज अटेंड कर लिया करो टाइम निकाल लिया करो रेगुलर बेसिस पर 60 मिनट्स का एटलीस्ट ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके कोई इशू नहीं है मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कुछ हो पाए तो बट प्लीज रेगुलर हो जाए करो ताकि आपके जो कंसेप्ट है जो चीजें हैं जो सिक्वेंस चलता हुआ आ रहा है वो ब्रेक ना हो ठीक है बट कोई सुनिए आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम उसमें बात करने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ लाइन्स ऑफ अवर इकोनॉमी दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं बात करूं गाइज किसी भी इकोनॉमी की कोई भी चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो या चाहे यूएसए हो कोई भी इकोनॉमी उसकी जो लाइफलाइन होती है बेसिकली उसकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड वन इज कम्युनिकेशन दैट मींस विदाउट डीज टू फैक्टर्स आपकी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती मान के चलिए आप कितने भी डेवलप्ड हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप अपने जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर हुआ है उसको आप जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे दूसरा सेक्टर है कम्युनिकेशन जब तक आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा टेलीफोनिक कॉम्युनिकेशन ई के थ्रू या किसी भी फॉर्म में तो गाइस तब तक आप कैसे अपना इंटरेक्शन बना पाओगे दूसरी कंट्रीज के साथ अगर हमसे अगर हमसे जापान बोल रहा है कि हमें आयरन और चाहिए अगर हमसे यूरोपियन कंट्रीज बोल रही है हमें आपका कॉटन चाहिए तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम उनको ट्रेड कर पाए पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दूसरा पॉइंट है गाइस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जब तक हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो तब तक हम कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि अपनी चीज़ों को उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए और उनसे कम्युनिकेट कर पाए कि किस रेट में चीजें देनी है क्या चीजें होंगी कितना ट्रांसपोर्ट करना है किस टाइप का मेटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट दिस सो गाइज दैट्स वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोड ट्रांसपोर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउटेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयरवेज वॉटरवेज ये सारे टॉपिक को आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी को बताइए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज सो बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में दिस इज अनुरुद्ध मालिक आप जानते ही हो आई डन माई बी टेक फ्रॉम यू पी टेन टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फाइव इन आई टॉट एंड मैंटल मोर देन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स और वहीं पर अगर हम बात करें आपके पिछले ढाई साल से अन अकेडमी पर आपको जोग्राफी इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी में चीज़ों के साथ हेल्प कर रहा हूँ रिगार्डिंग आपकी प्रिपेशन में लेट सी कब तक हम आपके साथ चीज़ों को बहुत बेटर कर पाएंगे वहीं पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो सेशन है ये बेसिकली रेगुलर बेसिस पर आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर आपका वन पी पर सेशन हो रहा है जिसके अंदर हम कंप्लीट एंड एंड इकोलॉजी इकोलॉजी करेंगे सो so कल जो का टॉपिक है दैट इज वेटलैंड ऑफ इंडिया इंडिया या पूरे वर्ल्ड के जो वेटलैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है रामसर कन्वेंशन क्या है इंडिया के अंदर कितने हैं उसके अंदर रामसर के अंदर टोटल कितने हैं रामसर साइट्स के अंदर जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर इंडिया के कितने हैं ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं कल के टॉपिक में वन पी पर उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं अन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्यों फॉलो करना है सर अन अकेडमी ऐप पर फॉलो इसलिए करना है क्योंकि अन ऐप पर टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूं

क्लास में क्वेश्चन होंगे और ये क्लास बिल्कुल फ्री है जस्ट यूज द कोड कैपिटल ए एम टेन कुछ नहीं करना आपको कैपिटल ए एम टेन कोड यूज करना है और आप फ्री में एनरोल कर जाओगे इस क्लास में वहीं पर गाइस फाइव पी पर हमारी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे इसके अंदर गाइस कल हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी एम सी की क्वेश्चन है वो कवर करेंगे और ये टॉपिक में भी आप फ्री में एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड कैपिटल ए एम टेन सो गाइज दैट्स द मेन रीजन मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अनुरुद मलिक उसे ज्वाइन कर लीजिए वहां पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगे प्लस आप वहां पर ए एम टेन कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो फ्री में बिल्कुल ये सेशन होने वाले हैं वहीं पर गाइज अगर मैं बात करूं अन अकेडमी पर एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सा ऑफर आया है आप लोगों के लिए जिसके अंदर पूरी प्रिलिम्स पूरा मेन्स पूरा ऑप्शनल पूरा इंटरव्यू सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारे एजुकेटर्स मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी जब तक आप चीज़ों को पढ़ना चाहो तब तक आप चीज़ों को कवर कर सकते हो और गाइस आपको उसके साथ साथ ट्वेंटी परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है जो फीस आपकी सिक्सटी वन थाउजेंड की है वो रिड्यूस होके 49,900 नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड की है जैसी आप कैपिटल ए एम टेन कोड यूज़ करते हो दिस इज़ द कोड जो आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रिपरेशन जर्नी सब चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है उसके साथ साथ आपको थ्री मंथ्स का बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा बिल्कुल मिलने वाला है इट मीन्स आप ऑलरेडी 54,000 के अप्रॉक्स आप सेव कर सकते हो यूजिंग दिस अमेजिंग कोड दैट इज कैपिटल ए एम टेन सारे एजुकेटर मिलेंगे सारी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी प्लस मेरे एंड से मेंटरशिप गाइडेंस स्ट्रक्चर कोर्स टाइम टेबल क्या पढ़ना है किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना है कैसे इंटरलिंकिंग करनी है कैसे आंसर राइटिंग सब चीजों में जो मेरे एंड से हेल्प हो पाएगी वो आपको मिलेगी वहीं पर आपकी अनएकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप ट्वेंटी मार्च को अनएकेडमी ऐप पर मॉर्निंग में इलेवन ए एम हो रही है तो एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड कैपिटल ए एम टेन ओके उसी के साथ साथ इंटरव्यू आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है आप इसमें अगर आप मेज़ क्वालिफाइड कर चुके हो तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फ्री इंटरव्यू है अन अकेडमी के एंड से वहीं पर गाइस सिक्स मंथ्स और ट्वेल्व मंथ्स का अन का जो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है उसे भी ले सकते हो यूजिंग द कोड कैपिटल ए एम टेन और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस है थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड अगर आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हो बिकॉज अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट मोर देन टू मंथ्स है तो मोर देन सफिशेंट टाइम है इस प्रिपरेशन को एनालाइज करने का वहीं पर आज आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो आपको पर्सनल कोच मेंटरशिप लाइव्स मेंस क्वेश्चन आंसर स्टडी प्लानर ओपन हाउस सब कुछ मिलेगा और यहां पर भी आप ए एम टेन कोड यूज़ करके मेरी मेंटरशिप गाइडेंस के साथ चीज़ें कर सकते हो वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर का आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है इसमें ए एम टेन कोड यूज़ करोगे ऑफ मिल जाएगा आइगोनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटरशिप गाइडेंस ये सब कुछ मिलेगा और यहाँ पर भी ए एम टेन कोड जैसे यूज करते हो आपको ऑफ मिलेगा वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऑप्शनल लेना चाहते हो डेफिनेटली ऑप्शन को ले सकते हो वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर का

इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो यूजिंग द कोड कैपिटल ए एम टेन सो गाइज हम फटाफट जल्दी से विदाउट एनी डिले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पर फटाफट आ जाते हैं जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं देखिए गाइज बेसिकली अगर हम बात करें अगर हम बात करें चीज़ों को समझना अगर हमें अपना ट्रेड और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है सो so गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो चीज़ हो जाती है आपकी दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन हैं और वो रिलेशन के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन कंट्रीज के साथ आपके ट्रेड कितने अच्छे हैं अगर मैं बात करूं गाइज आपको पता है कि हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं हम यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं हम जापान के साथ ट्रेड करते हैं हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं अभी आपने देखा होगा गाइज हमने रशिया के साथ अराउंड थर्टी लेस प्राइस पर ऑयल की डील की है और भी हमने ईरान के साथ 30 परसेंट लेस प्राइस पर ऑयल की डील की है तो उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ और किस तरीके से वो पॉसिबल हो पाया गाइज वो पॉसिबल हो पाया कॉम्युनिकेशन से और उसी के साथ साथ जो हमारे पास ऑयल आएगा वो किससे आएगा ट्रांसपोर्टेशन से सो so गाइस कोई भी कंट्री है अगर आपको चीजों को करना है और उसमें आप कंट्री की ग्रोथ करनी है तो वहां पर जो गुड्स है उनका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है इट मीन जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है देखिए गाइस जो गुड्स होंगे ना जो हमारे यूज के हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सर्विसेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज विदाउट सर्विसेज ये गुड्स भी आपके एक तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो अगर हमें चीजों के साथ ग्रोथ करनी है तो गाइज हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो कंट्री भी ग्रो कर सकती है इट मीनस जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है दे हेल्प टू इंक्रीज द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन उनके बीच में असिस्टेंस प्लस जो आपकी दो कंट्रीज हैं उनके बीच में इजी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स कर सकती है जितना बेटर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ही अच्छा आपका मूवमेंट होगा अदरवाइज आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे आज डाटा के साथ बात करेंगे आज हम बात करेंगे कितना हमारे पास रोडवेज नेटवर्क है कितना रेल नेटवर्क है ये सारे डाटा को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके कितने टाइप के हमारे पास हाईवेज हैं कैसे हाईवेज हैं नेशनल हाईवेज क्या हैं कितने किलोमीटर के हैं कौन किस में कितना पैसेंजर किस में कितना ट्रैवल करता है सारी चीजों को मेंस प्लस प्रबलेम्स के लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लियर है तो जो हमने सबसे पहले बात की कि ट्रेड एंड कॉमर्स अगर किसी भी कंट्री से करना है तो हमारे लिए बहुत जल्दी हो इंपॉर्टेंट जा, हो जाता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया क्लियर है गाइस अगर आपके पास बेटर कम्युनिकेशन है और बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है तो जो आपका डिस्टेंस है और जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ईज हो जाता है अगर आपको बात करें जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों ईज के साथ आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सप्लाई को बहुत अच्छे से कर सकते हो चीजों के साथ समझ में आ गया क्लियर है ठीक है अब हम बात करते हैं आगे की तरफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गाइज हमारे कितने मीन्स के ट्रांसपोर्ट है मतलब कितने तरीके से हम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं देखिए गाइज अगर मैं आपसे बात करूं आप रहते हो यहां पर ठीक है क्या आपके घर में आपकी जो नीड्स है वो सारी नीड्स आपके पास फुलफिल है नहीं है ना बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको किसी दूसरी सिटीज से या दूसरी जगह से वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी पड़ती है चीजों को तभी तो आपके पास सर्विसेज और आपके पास गुड्स आ पाएंगे तो गाइस उसके लिए आपका ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है तो ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है अगर हम बात करें टाइम्स पे तो टाइम्स में आपको पता होगा जो बुल कार्ड चलते थे आपने देखा होगा या लोग कैमल्स के के थ्रू थ्रू चलते चलते थे चलते थे हॉर्सेस और वो बहुत दिनों तक ट्रैवल करते रहते थे आपने देखा होगा एलिफेंट के ऊपर चल रहे हैं हॉर्सेस के ऊपर मूवमेंट हो रहा है कैमल के ऊपर हो रहा है और पुराने टाइप में आपने देखा होगा बैलगाड़ी टाइप में हुआ करती थी उनसे क्या होता था ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था एंड इट इट कैन टेक्स लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम वो कंज्यूम करता था तो वो कहीं कही ना कहीं अगर वो चीजें हम आज की जनरेशन में कर ले अगर हमें पता लगा कि यूक्रेन बोल रहा है कि रशिया से वॉर हो चुका है मुझे फटाफट है ना आप टैंक प्रोवाइड करवा दीजिए मुझे फटाफट फाइटर जेट प्रोवाइड करवा दीजिए और वो टैंक और फाइटर जेट आराम से धीरे धीरे करके पचास दिन में आ रहे हैं। इतने पता लगा कि ना कोई है, ना कोई कोई है, ट्रांसपोर्ट की बेटर फैसिलिटी है वहां पर दोबारा कॉल किया कि हाँ यहां से हमने निकलवा दिए हैं यूएस से फोन करके बोल रहा है आपके पास पहुंच जाएंगे इतने में यूक्रेन बोलता है उतने में पता लग रहा है कि यूक्रेन में पुतिन बोल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है हम यहां पर ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं तो वो कंडीशन पहले टाइम पर होती थी बट आज के टाइम पर क्या है कि वो डेवलपमेंट ज्यादा करने के लिए हमें अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे से ग्रो करना होगा तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं सर सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट दैट मीन जमीन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो लैंड ट्रांसपोर्ट तीन टाइप से होता है पहला है रोड ट्रांसपोर्ट दैट वो ट्रांसपोर्टेशन जो हम रोड के थ्रू करते हैं किसके थ्रू रोड के थ्रू तो गाइस एक डाटा याद रखना कि रोड ट्रांसपोर्ट में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो 85 परसेंट पैसेंजर हैं वो रोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं इंडिया के अंदर जो 85 परसेंट पैसेंजर हैं वो रोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं डाटा को याद रखना और वहीं पर जो फ्राइट है मतलब फ्राइट जो जो माल है मालगाड़ी होती है। जैसे आपने देखा होगा जो ये माल होता है ट्रांसपोर्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं वो 70 परसेंट रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते वॉट इड कितनेट पैसेंजर ट्रेवल थ्रू द रोड सेवेंटी परसेंट ऑफ द फ्लाइट इज ट्रेवल ट्रू द रोड तो दीन्स रोड प्लेड अर इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्लियर है दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे रेलवे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है बिकॉज इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीपेस्ट इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट Why I am saying it is one of the cheapest mode of transportation? Because जो cheapest mode of transportation है वो आपका waterways है पानी के through जो transportation किया जाता है वो सबसे cheapest है सबसे सस्ता पड़ता है आपको ये चीजें याद होनी चाहिए Because question पूछ लिया जाता है कि why we ट्रांसपोर्ट द मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस हैं जो गुड्स होते हैं वो मैक्सिमम किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सर वो वाटर वेज के थ्रू आप देखिए कि जितना भी हम आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या जितना भी हैवी गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज में चाहे आयरन ओर हो चाहे कोल हो चाहे दूसरे गुड्स हो चाहे ऑयल हो ऑयल टैंकर्स में वो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू द वॉटर वेज बिकॉज वाटरवेज वेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज सबसे चीपेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जितने भी स्टूडेंट एक बार देख रहे हैं फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को क्योंकि फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के आज बहुत सारे कांसेप्ट के साथ चीजों को कांसेप्ट या फैक्ट्स के साथ बेसिकली इस टॉपिक में कोई कांसेप्ट नहीं है अगर आप कांसेप्ट सोच रहे हो कि सर कुछ नया बता देंगे कुछ नया कांसेप्ट नहीं है पर डाटा बहुत अच्छे-अच्छे बताने वाला हूं जो आपके मेंस में और प्री में फैक्चुअल कांसेप्ट से आप वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो किसका नेटवर्क कितना है कितना मोड्स है कितना क्या है सारी चीजें बता दूंगा कितना परसेंट नेशनल हाईवे है कितना परसेंट डिस्ट्रिक्ट रोड है कितनी परसेंट रूरल रोड है ये सारा डाटा आज मैं बताने वाला हूं आपको समझ में आ गया किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से हो तो बताइए यहां पर अगर आपसे पूछे कि इंडिया के अंदर कितने परसेंट रोड है तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो टोटल रोड है ना गाइज वो फिफ्टी एट लैख 97,611 किलोमीटर के अप्रॉक्स रोड है और यह डाटा 21718 का है उसके बाद तो नितिन गडकरी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है अगर मैं बात करूं रोड नेटवर्क में अगर मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हूं किसी भी लीडर से स्पेशली एनडीए गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट में वो नितिन गडकरी जी का काम है अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ रोड डेवलपमेंट इन्होंने जो रोड में डेवलपमेंट किया है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना ये स्पेशली इन्होंने सब सेक्टर में अच्छा काम किया है वाटर वेज में भी बहुत अच्छा काम किया है बट इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क एब्सोल्युटली बहुत ही परफेक्ट आइडिया है इनका जो रोड डेवलपमेंट का है और बहुत प्रोग्रेसली ये रोड को डेवलप कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर मोर देन 58 लाख किलोमीटर की आपकी क्या है आपकी रोड नेटवर्क है इंडिया के अंदर समझ में आ गया इतना किलोमीटर का इंडिया के अंदर रोड नेटवर्क है अराउंड 201780 का ये डाटा है उसके डाटा के एप्रोक्स में समझ में आ गया क्लियर है फाइन ओके okay. ये चीजें समझ में आ गई तो यहां पर जो रेलवे है उसमें क्या बात है अगर मैं बात करूं रेलवे रेलवे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आगे जाके एक एक करके सबको बात करूंगा आगे फिर उसके बाद है तीसरा पाइपलाइन गाइस जो पाइपलाइन है ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो सर क्या हम भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं अगर हमें जाना है कहां पर ईरान में जाना है अगर हमें मान के चलिए या हमें कहां पर पाकिस्तान में जाना है सो so, जो तापी पाइप तापी पाइपलाइन पाइपलाइन है के थ्रू हम क्या तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इसमें कनेक्टिविटी करके हम तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाएंगे मतलब पाइपलाइन के थ्रू नहीं जो पाइपलाइन है इसका मेन काम है या तो कोई ऐसी चीज जिसे हम स्लरी की फॉर्म में जिसको हम स्लरी की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सके या नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है वो हम किसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं समझ में आ गया ठीक है गाइज जो अनकेडमी का ऑफर है ना बेसिकली वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो कभी भी खत्म हो सकता है कल भी में भी खत्म हो सकता है परसों तक भी तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यू कैन यूज द कोड कैपिटल ए एम टेन आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस उसके साथ साथ आपको ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट के साथ थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा ये ऑफर बेस्ट है मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट ऑफर आपको कुछ मिलने वाला है ठीक है ये चीजें क्लियर हो गई उसके बाद हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में दिस वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता है सर इससे सस्ता कुछ नहीं है अगर आपको हैवी लगेज या हैवी जो आपका प्रोडक्ट और गुड्स है अगर वो ट्रांसफर करने हैं एक जगह से दूसरी जगह या ट्रांसपोर्ट करने हैं सो दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैवी ट्रांसपोर्टेशन करना हो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो हमें किससे करना है वाटर से करना है फाइन तो वहीं पर वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होते हैं एक होता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट और एक होता है आपका सी वेज और इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है उसको इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है या बैक वाटर्स के थ्रू या आपका जो इनलैंड है जैसे आपका हल्दिया वाटरवेज वन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है इनको कनेक्ट करते हुए जो वाटरवेज वाटरवेज बनाया है इस तरीके से इन को इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं दैट मींस इनसाइड द कंट्री और एक होता है ओशियंस के थ्रू पैसिफिक ओशियन इंडियन ओशियन वहां पर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना उसको सीवेज और ओशियन रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है समझ में आ गया उसके बाद हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एयरवेज के थ्रू दो टाइप में हो सकता है एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल अगर हमें दिल्ली से जयपुर जाना है लखनऊ से मुंबई जाना है या दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो ये क्या हो गया डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया दैट मीन्स हमें ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का सर्विसेज गुड्स का और हमें अपने आप का जो ट्रांसपोर्टेशन है या मूवमेंट है वो किसके थ्रू करना है इंडिया के अंदर करना है तो वो डोमेस्टिक हो गया अगर हमें फ्रांस जाना है हमें यूएसए जाना है हमें यूके जाना है तो वहां पर यूके उत्तराखंड नहीं यूनाइटेड किंगडम ठीक है वहां पर जाना है तो उसको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन अब इन ट्रांसपोर्टेशन को हम एक एक करके पढ़ेंगे कितना परसेंट कैसे जाता है कैसे क्या क्या है पूरे डाटा को एक एक करके सम करने की कोशिश करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में विद अपडेटेड डाटा ठीक है आपकी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन है वो कल होगा आपका मॉर्निंग में आफ्टरनून में वन पी पर ठीक है जिसके अंदर हम वेटलैंड को डिस्कस करेंगे बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिए हम बात करते हैं सबसे पहले रोडवेज के बारे में देखिए गाइस जो रोडवेज है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्ट इन मच लोअर देन द रेलवे लाइंस देखिए जो रोड का नेटवर्क होता है ना अगर आपसे कोई पूछे तो गाइस ये सबसे सस्ता पड़ता है अगर मैं बात करूं अगर हमें रेलवे नेटवर्क बनाने हैं ना तो रेलवे नेटवर्क के बनाने के लिए कोस्टिंग बहुत ज्यादा होती है हमें बहुत बड़े एरिया को एक्वायर करना होता है उस पर रेलवे ट्रैक्स बिछाने होते हैं तो रेलवे नेटवर्क जो है ना या रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है उसको बनाने में जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा आती है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तो इसी वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपके लिए एक तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट है है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा पॉइंट है जो रोड है ना वो आपकी अंडल्टिंग टॉपोग्राफी में भी बनाई जा सकती है मतलब आपने देखा कि आपका जो लद्दाख है वहां पर रोल जो रेलवे नेटवर्क है वो पॉसिबल है अभी तक नहीं हो पाया ना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आपको नैनीताल जाना जाना है 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 ठीक या आपको मसूरी एग्जाम्पल तो मसूरी गाइज आपका अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या करना होगा हमें देहरादून के रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा वहां से अराउंड 92 टू मिनट्स का बाय रोड आपका ट्रैफिक आपको ट्रेवल करके जाना होगा उसी के साथ साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है उसी के साथ साथ अगर हमें नैनीताल जाना है तो काट गोदाम रेलवे स्टेशन है वहां उतरना होगा उसके बाद हमें रोडवेज के थ्रू जाना होगा इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो अभी भी रेलवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वहां पर जो टॉपोग्राफी है वो इतनी अनडल्टिंग है कि वहां पर पॉसिबल इतनी ईज के साथ नहीं है कि आप वहां पर रेलवे नेटवर्क क्रिएट कर दे क्योंकि पहाड़ों को कट करके जो नेटवर्क बनाएंगे वो काफी कोस्ट ज्यादा लगेगी उनमें इन टर्म्स ऑफ अगर हम रोड नेटवर्क वहां पर प्रोवाइड कर दे तो आपका रोड नेटवर्क एक तरीके से कोस्ट एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ रेलवे नेटवर्क ये चीजें याद रखना उसके साथ साथ अगर हम बात करें रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स सच कैन ट्रांसफर माउंटेन्स एंड क्या बताया हिमालयस तक भी चीजों के साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए अभी मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर जो टोटल रोड का नेटवर्क है इंडिया के अंदर जो टोटल रोड का नेटवर्क है वो अराउंड सिक्सटी लैख किलोमीटर के अप्रोक्स है कितना 60 लाख किलोमीटर इंडिया के अंदर रोड का टोटल नेटवर्क है अगर मैं उसके अंदर बात करूं नेशनल हाईवेज की अगर मैं बात करूं स्टेट हाईवेज की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की और अगर मैं बात करूं रूरल रोड्स की तो इन सब को मिला के इंडिया के अंदर अराउंड सिक्सटी लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है आपका कितना गाइज सिक्सटी लाख किलोमीटर का अप्रोक्स इंडिया के अंदर क्या रोड नेटवर्क है चीज समझ में आ गई अब पॉइंट में बात करते हैं कि सर ये रोड नेटवर्क किस तरीके से डिवाइडेड है एक बार उनको फटाफट चीजों के साथ देख लेते हैं जल्दी से आइए फटाफट चीजों के साथ आप बेटर समझ पाओगे चीजों को इंडिया के अंदर जो रोड नेटवर्क है वो आपके चार पार्ट में डिवाइड है सबसे पहले है नेशनल हाईवे सबको एक एक करके बताऊंगा आपको नेशनल हाईवे उसके बाद दूसरा आता है स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट रोड और चौथे आते हैं आपके रूलर रोड जो गांव में विलेजेस में होती है रूलर रोड। ये इंडिया के अंदर चार टाइप के ये रोड के नेटवर्क हैं और इन चारों टाइप के जो रोड के नेटवर्क हैं इनको मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इंडिया की जो 85 परसेंट पॉपुलेशन है जो पैसेंजर है इंडिया के वो रोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं परसेंट पैसेंजर इंडिया के जो 70 परसेंट फ्लाइट है जो हमारा गुड्स है वो आपका रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये पॉइंट याद रखना समझ में आ गया चीजें अब हम बात करते हैं आगे इससे कि ये चीज तो हमारी हो गई अब हम एक एक करके सारे हाईवेज को लेते हैं और चीजों को और बेटर अच्छे से कवर करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में गाइस जो नेशनल हाईवेज़ है इनको कंस्ट्रक्ट करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंस्ट्रक्ट करती है और जो मेन बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की दैट इज़ एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मेन बॉडी होती है जो क्या करती है आपका चीजों को करती है सर जो नेशनल हाईवे है इनका मेन क्या काम क्या होता है इनका मेन काम होता है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी दैट मीन जो स्टेट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आपको पता होगा या जो आपके जो स्टेट्स है उनको कनेक्ट कर रहे हैं या जो कैपिटल्स है मेजर सिटीज है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं आपके ये नेशनल हाईवेज ये आपको पता होना चाहिए क्लियर है किसी को कोई डाउट अगर आपसे पूछे कि सर इंडिया के अंदर जो आपने 100 परसेंट रोड नेटवर्क है जो आपने बताया कि अराउंड 60 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है उसमें से नेशनल हाईवे कितने हैं इंडिया के सिर्फ नेशनल हाईवे 2 परसेंट है इंडिया के अंदर जितनी भी रोड है उसका 2 परसेंट सिर्फ नेशनल हाईवे है इट मीनस कि इंडिया के अंदर सिर्फ टू नेशनल हाईवे है समझ में आ गया सब चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको याद रखना ठीक है यहां तक चीजें क्लियर हो गई याद रखना आपको एक पॉइंट में बता रहा हूं आईज जो हमारा रोड नेटवर्क है ना वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में जो हमारा रोड नेटवर्क है बहुत मेजर है अगर मैं बात करूं ठीक है अमेरिका का हमसे ज्यादा है बट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के अंदर जितने भी रोड नेटवर्क है उसमें सिर्फ टू परसेंट रोड नेटवर्क नेशनल हाईवे हमारा सिर्फ टू परसेंट है और गाइज ये नेशनल हाईवे जो टू परसेंट है ये इंडिया के

क्लियर है उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर टोटल लेंथ कितनी है नेशनल की। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी लेंथ है तो आपको बताना है सर इंडिया के अंदर वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जीरो थ्री किलोमीटर के समथिंग जो रोड है ना वो इतने किलोमीटर की रोड नेशनल हाईवेज है इंडिया के जो नेशनल हाईवेज हैं वो वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड समथिंग किलोमीटर आपके इंडिया के अंदर आपके नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ है वो आपकी लाई करती है समझ में आ गया यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी अब पॉइंट बात करते हैं कि सर ये नेशनल हाईवेज है बेसिकली इन नेशनल हाईवेज के बारे में आप बात करोगे कि, कि किस तरीके से इनको क्लासिफाइड किया है इन नेशनल हाईवेज को अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल्डन क्वारिलेटर की गोल्डन कोआर्डिलेटर के बारे में जो गोल्डन क्वारडिलेटर है अगर हम बात करें जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम आज हमारे बीच में नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका एक ही एम था कि जो बीजेपी आज कर रही है ना वो नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट का रोल नहीं है उसके पीछे जो रोल है ना वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका बहुत ही बड़ा एक रोल था शाइनिंग इंडिया उन्होंने at that time, जब 2004 में इलेक्शन हुए जब बीजेपी हार गई तो उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया और उन्होंने अपने इलेक्शन जो चुनाव प्रचार थे उन्होंने एक नारा दिया एक स्लोगन दिया एक तरीके से शाइनिंग इंडिया कि इंडिया शाइन कर रहा है और सबको लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट इजली आ जाएगी बट क्या हुआ कि जो शाइनिंग इंडिया का मॉडल था वो इसी वजह से दिया गया कि उन्होंने गोल्डन कोर्डिलेटर और जो हमारे हाईवेज हैं इनको बहुत अच्छे से डेवलप किया तो जो गोल्डन क्वारेटर की बात करते हैं समझने की कोशिश करना मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा बहुत अच्छे से बताने वाला हूं उन्होंने क्या किया गोल्डन क्वारिलेटर बनाया तो सर वॉट इज गोल्डन क्वारिलेटर ये गोल्डन कोर्डिलेटर क्या है गोल्डन कोर्डिलेटर है इंडिया की जो फोर मेगा सिटीज हैं, उनको कनेक्ट किया था उन्होंने कौन-कौन सी दिल्ली दिल्ली से 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 मुंबई 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 अगर अगर मैं बात से मुंबाई, मुंबाई से अगर मैं बात बात करूं करूं यहां पर जो जो तमिलनाडु स्टेट है चन्ने को, चन्ने इन चारों सिटीज सिटीज को मेगा सिटीज को मेगा कनेक्ट किया था और था और ये 5, और ये ये की फॉर्म में टोटल समझ में आया इस गोल्डन क्वारिलेटर को ठीक है कहां पर इसमें आपके जो ये गोल्डन क्वारिलेटर है समझ में आ गया किसने और याद रखना जो फोर मेगा मेट्रो सिटीज थी दिल्ली, कलकत्ता चेन्नई मुंबई इनकी कनेक्टिविटी हुई थी इसके साथ ताकि जो गुड्स है जो पैसेंजर का मूवमेंट है जो डिस्टेंस है वो कम हो सके और इजली कनेक्टिविटी हो सके उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो नेशनल हाईवे के बाद बाद जो और चीजें आती हैं वो है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एक था नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर और दूसरा था वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर और वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर अगर आप यहां पर देखोगे गुजरात गुजरात में जो पोरबंदर है उस पोरबंदर से लेकर सिल्चर तक पोरबंदर से लेके सिल्चर तक ये वेस्ट से लेके ईस्ट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई गई थी यहां पर और उसके बाद नॉर्थ में श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी करवाई गई थी सो दिस इज नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एंड दिस इज वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर ये कनेक्टिविटी करवाई गई थी आपकी इन्हीं हाईवेज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उससे समझ में आ गया किसी को भी कोई डाउट अगर आपसे पूछे कि जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है वो जीरो किलोमीटर लॉन्ग है जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है और वहीं पर जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है वो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर लॉन्ग है जो आपका वेस्ट टू ईस्ट है सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है समझ में आ गया सिल्चर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है वो आपका कनेक्टिविटी के साथ चीजें हैं दैट मीन जो आपकी मेजर सिटीज थी वेस्ट टू ईस्ट के जो मेजर स्टेट्स थे प्लट नॉर्थ से साउथ तक इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई गई थी समझ में आ गया क्लियर है यहां तक बताइए किसी को कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताइए समझ में आया किसी को कुछ भी पॉइंट हो क्या नॉर्थ टू साउथ है क्या है कैसे है फाइन अब कुछ हाईवेज यूपीएससी पूछ लेता है हाईवेज के बारे में तो आप मुझे बताओगे जो नेशनल हाईवे वन है ये किस किस को कनेक्ट करता है कभी कभी पूछ लेता है मैचिंग में नेशनल हाईवेज किस किस को कनेक्ट करता है जो नेशनल हाईवे वन है वो किस किस को कनेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कोई भी स्टूडेंट बताएगा नेशनल हाईवे वन है वो किस किस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सर नेशनल हाईवे वन कनेक्ट डेली टू अमृतसर दिल्ली से अमृतसर की जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल हाईवे वन के बीच में है आपसे कोई पूछ रहे नेशनल हाईवे टू किस किस को कनेक्ट करता है सर नेशनल हाईवे टू करता है दिल्ली और कलकत्ता को कनेक्ट याद रखना कभी कभी पूछ लेता है अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे थ्री किस किस को कनेक्ट करता है तो नेशनल हाईवे थ्री कनेक्ट करता है आगरा से मुंबई को आगरा से मुंबई को ठीक है नेशनल हाईवे थ्री क्या करता है आगरा टू मुंबई को कनेक्ट करता है अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे फोर किस को कनेक्ट करता है तो नेशनल हाईवे जो फोर है वो चेन्नई से महाराष्ट्र में जो थाने हैं उसको कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे फोर समझ में आ गया सो दीज आर सम मेजर नेशनल हाईवे जो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछे कि दिल्ली और मुंबई को कौन कनेक्ट करता है तो नेशनल हाईवे और मुंबई को कनेक्ट करता है जो दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि कौन कौन से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं समझ में आया किसी को कोई दिक्कत परेशानी नेशनल हाईवेज में समझ में आ गया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट हाईवेज अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज को हमने अच्छे से कवर कर लिया है नेशनल हाईवेज लिंक ऑल द मेजर सिटीज एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर द प्राइमरी रोड्स ऑफ द इंडिया एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है ओके okay, कौन मेंटेन करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है ठीक है याद रखना और बेसिकली जो नेशनल हाईवे सेवन है बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फाइन क्लियर है अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड के से पहले स्टेट हाईवे के बारे में एक बार बात कर लेते हैं ज्यादा लंबा नहीं थोड़ा सा चीजों के साथ डिस्कस करेंगे स्टेट हाईवे व्हाट इज स्टेट हाईवे नंबर सेकंड है स्टेट हाईवे एक एक करके सारी चीजें कवर कर लेंगे अगर आपसे पूछे कि जो स्टेट हाईवे है वो किस किस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो स्टेट हाईवे है वो किस किस को कनेक्ट करता है सर स्टेट हाईवे कनेक्ट करता है जो स्टेट कैपिटल है स्टेट कैपिटल है उनको कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनसे कनेक्ट करता है इट मीनस अगर आपका मान के चलिए कोई डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है उससे जैसे लखनऊ है स्टेट तो लखनऊ यूपी की कैपिटल है तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट कैपिटल के बीच में दीज आर हाईवे कौन मेंटेन करता है इनको कौन वो करते हैं पीडब्ल्यूडी पब्लिक जो पीडब्ल्यूडी है वो एक तरीके से मेंटेन करता है और कंस्ट्रक्ट करता है स्टेट हाईवे को ये चीजें आपको पता होनी चाहिए समझ में आ गया किसी को भी कोई डाउट अगर आपसे पूछे कि इंडिया के अंदर जो स्टेट हाईवे है इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो इंडिया के अंदर फोर परसेंट टोटल लेंथ स्टेट हाईवे की है टोटल फोर परसेंट इंडिया में स्टेट हाईवे है नेशनल हाईवे कितना था नेशनल हाईवे कितना था अभी बताया तो आपको दिल्ली से अमृतसर के कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे वन यहां पर आपको लिखा तो पीछे दिखाया मैंने कि दिल्ली टू अमृतसर कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे वन ठीक है नेशनल हाईवे वन दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करता है याद रखना ठीक है यहां पर मैंने आपको सिंपल बताया था दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे कितना था नेशनल हाईवे कितना था टू परसेंट और स्टेट हाईवे कितना है टोटल फोर परसेंट है ये आपको पता होना चाहिए समझ में आ गया कौन किसको कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे स्टेट कैपिटल्स को और जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वार्टर से कनेक्ट कर रहा है उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन आती है गाइस डिस्ट्रिक्ट रोड आती है और ये डिस्ट्रिक्ट रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपसे पूछे कि डिस्ट्रिक्ट रोड किस किस को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टवार्टर टू द तहसील एंड ब्लॉक जो उस डिस्ट्रिक्ट के तहसील और ब्लॉक है उनको डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट रोड है समझ में आ गया डिस्ट्रिक्ट रोड उनको कनेक्ट करता है अगर आपसे पूछा जाए कि सर इंडिया के अंदर इसकी टोटल लेंथ कितनी है इसकी टोटल लेंथ है सर आपकी फोर्टीन 14 परसेंट फोर्टीन टोटल लेंथ है आपकी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टवार की या डिस्ट्रिक्ट रोड की जो किसको तहसील और जिला जो आपके ब्लॉक है उनको कनेक्ट करता है huh. फाइन क्लियर है उसके बाद हम बात करते हैं आपका अदर रोड्स जिसमें आती है रूरल रोड्स जो हमारी गांव की रोड्स होती हैं। ये रूरल रोड्स क्या करती हैं? जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है याद रख समझ में आ गया वहीं पर अगर हम बात करें जो रूरल रोड है गाइज आज भी हमारे इंडिया में अब तो खैर बेटर हो चुका है पहले हमारे यहाँ जो रूरल रोड होती थी दीज आर बेसिकली टू टाइप्स जो रोड होती है वो दो टाइप्स की होती है एक होती है मेटल रोड मेटल रोड और एक होती है अनमेटल रोड मेटल रोड होती है जिनको पक्का रोड कहते हैं जो नेशनल हाईवे बिल्कुल पक्का और अनमेटल रोड वो होती है जो कच्ची रोड होती है कच्ची रोड मतलब वो रोड्स जो आपकी ऑल सीजन नहीं होती ये मेटल रोड रोड ऑल सीजन मतलब कोई भी सीजन हो चाहे रेनी सीजन हो ये आप यहाँ पर हमेशा परमानेंटली ट्रेवल कर सकते हैं बट डीज अनमेटल रोड परमानेंटली आप ट्रेवल नहीं कर सकते सीजनल होती है जब रेनफॉल हो जाएगी तो कच्ची रोड पानी से भर जाएंगी दैट जाएंगे आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे सो अनमेटल और मेटल रोड बट इंडिया में आज के टाइम में जो रूरल रोड है वो भी पक्की बन चुकी है और इंडिया के अंदर जो रूर आपकी एट्टी परसेंट है एट्टी परसेंट फोर्टीन परसेंट डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस फोर्टीन नाइन्टी हो गया प्लस फोर क्या हो गया स्टेट हाईवेज हो गया नाइनटी एट परसेंट हो गया प्लस टू परसेंट नेशनल हाईवे तो इंडिया की जो टोटल रोड है वो आपके सामने मैंने मैंशन कर दी है लाइक like, शेयर करते रहिए अगर चीजें समझ में आ रही हो तो ठीक है क्लियर है सो अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक आई थी जिसके अंदर हमारा क्या काम था कि जो हमारी गांव की जितनी भी रोड है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए जो हमारे हैं और जो हमारी के टाउन्स हैं उनके साथ किसके अंदर अडन अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसके अंदर जो विलेज रोड्स हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए विलेज में ठीक है ओके okay. सो so, क्या मतलब था ऑल सीजन मोटरेबल रोड मैंने क्या बताया जो अनमेटल रोड होती है वो ऑल सीजन नहीं होती सो so, जो मेटल्ड और अनमेटल्ड है उनमें यही डिफरेंस होता है मेटल रोड आर ऑल सीजन एंड अनमेटल्ड आर नॉट ऑल सीजन रोड फाइन क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर रोड्स के बारे में किसके बारे में बॉर्डर रोड्स के बारे में सर बॉर्डर रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एक बॉडी बनाई गई थी बी आर ओ एक बॉडी बनाई गई थी बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में किस किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है बी आर ओ कोई भी बताएगा मुझे बी आर ओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी बी आर ओ जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है फटाफट फड़ बताइए बी आर ओ फटाफट जल्दी से बता दीजिए बी आर ओ के बारे में कहां चले गए होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है बी आर ओ ठीक है डी आर ओ का काम क्या होता बी आर ओ का काम है गाइज जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारे नेबर कंट्री हैं वहां पर जो बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर जो रोड बनाना प्लस जो बहुत ही हाई एलिवेशन रोड्स हैं मोर देन फोर थाउजेंड मीटर अगर आपको पता होगा जो जवाहर टनल बनी है वो किसने बनाई है अगर आपको पता होगा रोहतांग पास के बारे में जवाहर टनल सॉरी रोहतांग पास के बारे में जो रोहतांग टनल बनी है वो किसने बनाई है बी ने बॉर्डर बॉर्डर रोड रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इस का काम क्या होता है कि जो हमारी डिफेंस प्रिपेडनेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए अभी आपने मैटर देखा होगा चाइना के साथ हमारा डोकलाम जो इशू हुआ था वहां पर स्काई चीन वाले जो पॉइंट पर जो आपकी फिंगर्स थी उनको लेके डिस्प्यूट था तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंडियन आर्मी के सैनिक थे उन्होंने बहुत जल्दी रातों रात रोड्स बनानी कंस्ट्रक्ट स्टार्ट कर दी थी क्यों क्योंकि वो डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर आपको पता है कि और किसी को भी ऐसी रोड्स बनाने का हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते बिकॉज वहां पर बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न होता है वहां पर आपका सेफ्टी का कंट्री की आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन का तो ये सारा काम किस दिया जाता है बी को दिया जाता है सो बी आर ओ कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री एंड दीज आर द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जैसे चाइना का उसके बाद पाकिस्तान का ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश यहां पर जो बॉर्डर है वहां पर जो रोड का काम है वो किसको दिया जाता है वो दिया जाता है सर बी आर ओ को दैट मीन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक लाइक एंड शेयर करते रहिए ठीक है ठीके? समझ में आ गया फाइन क्लियर है इंपॉर्टेंस अब आते हैं रेलवे के ऊपर अब ये बताइए रोड नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बताइए किसी को भी कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है चीजें समझ में नहीं आई वो नहीं आई कुछ भी खुल के बताइए मुझे फटाफट खुल्ला जिसको बोलते हैं अब हम रेलवे पे आने वाले हैं रेलवे के ऊपर रेलवे के ऊपर समझ में आ गया क्लियर है किसी को Guys, जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ना इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है और सर एशिया में कौन से नंबर पर आता है एशिया में इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क आता है आफ्टर चाइना चाइना के बाद हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे लॉन्गेस्ट है एशिया में और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में आपका फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे इंडिया का सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ अगर हम लेंथ की बात करें समझ में आ गया क्लियर है तो गाइज अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर का है तो आप बता सकते हो कि सर जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो अराउंड वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स किलोमीटर के अप्रोक्स का हमारा रेलवे नेटवर्क है ये अप्रोक्सीमेशन में है अगर आप चीजों को आंसर है तो क्लिक करके इसके आसपास का जो डाटा है उसको मार्क कर सकते हो बिकॉज अपडेशन होती रहती है चीजों के साथ तो ये डाटा भी चेंज होता रहता है बट मैंने जो आपको डाटा बताया ये अप्रोक्स है समझ में आ गया ठीक है तो बेसिकली जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ये वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग आपका रेलवे नेटवर्क है समझ में आ गया ठीक है और वहीं पर अगर आपसे बात की जाए कि इंडिया के अंदर टोटल ट्रेन कितनी है तो इंडिया के अंदर टोटल पैसेंजर ट्रेन है अराउंड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए फ्राइट ट्रेन कितनी है जो मालगाड़ी होती है हमारी वो है अराउंड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अप्रॉक्स हमारे इंडिया के अंदर फ्राइट ट्रेन है और थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारे इंडिया के अंदर पैसेंजर ट्रेन है और वन थाउजेंड टू हंड्रेड वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग हमारा रेलवे नेटवर्क है जो एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड का फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है समझ में आ गया किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से और याद रखना रेलवे इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया इसको लाइफलाइन बोला जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये फ्राइट और पैसेंजर में बहुत बड़े लेवल पर यहां से लोग जाते हैं क्योंकि वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं याद रखना जो रेलवे है ना ये हमारी कंट्री की जो नेशनल ग्रोथ है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो रेलवे नेटवर्क है समझ में आया ठीक है बताइए फटाफट किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी रेलवे में किसी भी तरीके से ठीक है आपको पता होगा जो रेलवे है बेसिकली वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और याद कीजिए डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बिजनेस के लिए साइट सींग के लिए जो आपके टूर टूरिस्ट प्लेस होते हैं उसके साथ साथ जो आपके होली प्लेसेस होते हैं उन प्लेसेस के साथ कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स को अगर आपको बहुत मैंने क्या बताया कि आपका जो रोड नेटवर्क है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है बट अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीजें करनी है तो उसके लिए क्या है आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका समझने की कोशिश करना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका क्या चीज है आपका रेलवे नेटवर्क है और इंडिया का जो रेलवे है वो प्ले करता है मेजर रोल इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और एक जो नेशनल प्रोग्रेस है कंट्री की उसमें मेजर रोल प्ले करता है इन रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन है प्लस एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़े लेवल पर रेलवे नेटवर्क के साथ किया जाता है ये आपको पता है जितना भी आपका हैवी लगेज है जितना भी आपका हैवी गुड्स है वो आपका कहाँ गुड सॉरी लगेज बोल रहा हूँ जो हैवी गुड्स है वो रेल के थ्रू ही आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है फाइन चीजों के साथ लाइक शेयर करते रहिए रेलवे आपको पता है चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड है पैसेंजर को रेलवे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री रेलवे हेल्प इन सप्लाइंग रॉ मेटेरियल एंड अदर फैसिलिटी टू द फैक्ट्री साइट एंड फिनिश गुड टू द मार्केट जो मार्केट फिनिश्ड गुड होते हैं फैक्ट्री में उसके साथ साथ जो आपका रॉ मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है एग्रीकल्चर ग्रोथ में रेलवे की बहुत बड़ी रोल प्ले करती है क्योंकि जो फार्मर है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दूसरी जगह तक सेल कर सकते हैं उसके साथ साथ बेसिकली उन्हें अच्छे प्राइजेज मिल सकते हैं उसके साथ साथ रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ रेलवे जो आपका लॉन्ग हॉलेज बल्कि मेटीरियल है जैसे कोल पेट्रोलियम और इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम ट्रक्स के थ्रू रोड के थ्रू हम ये जो हैवी मेटेरियल है इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे और कर भी पाएंगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इसी वजह से हम रेल के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं फाइन क्लियर है वहीं पर अगर हम बात करें फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इन्फ्लुंस होता है हमारा रेलवे नेटवर्क सर आपका जो फिजियोग्राफी है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर दीज आर द फैक्टर अगर हम बात करें जो डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क की वो आपकी नदन प्लेन्स में बहुत अच्छी है अगर हम बात करें यूपी स्टेट की अगर हम बात करें पंजाब की बात करें हरियाणा की बात करें हम आपके जो बिहार स्टेट है यहाँ पर जो रेल की डेंसिटी है वो बहुत अच्छी है वहीं पर जो हिली स्टेट हैं प्लेन स्टेट के कंपेयर में जो हिली स्टेट है वहां पर रेलवे रेलवे जो जो कनेक्टिविटी है जो की है की डेंसिटी वो आपकी कम है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेरीन कंडीशन है अनडल्टिंग टेरीन कंडीशन है रफ टेरीन कंडीशन है तो वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन या एक तरीके से रेलवे नेटवर्क को बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैसे चार्ज होंगे जिसके कारण वो वाइलेबल नहीं लगते या वैल्यूबल नहीं लगते प्रेजेंट टाइम में बट हम अब भी उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक को देखते हुए एक तरीके से सफिशियंट लगता है उस चीज के साथ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सो डेंसिटी ऑफ रेल नेटवर्क इज हाई इन द नदन प्लेस बिकॉज दीज आर द वास्ट लेवल ऑफ लैंड और यहीं पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर गुड यहां पर ज्यादा मूवमेंट होता है वहीं पर जो हिली टेरिन है और पेलिन पेनसुलर एरिया है वहाँ पर टनल्स के थ्रू जो रेलवे नेटवर्क है उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ जाता है जिसके कारण डिफ़िकल्टी फेस आती है वहीं पर जो हिमालयन रीजन्स है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है टेरिन बहुत अनडल्टिंग है और बहुत ही अनडल्टिंग सरफेस एरिया है वहाँ पर हिली एरियाज होने के कारण रेलवे नेटवर्क इतना ज़्यादा वहां पर वेल्युबल नहीं हो पा रहा है अभी भाई, तो ये रीजनस है उसके बाद इट इज टू ले द लाइन टू सेंड डी उसके साथ साथ क्या है जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है वहां पर भी रेलवे नेटवर्क इतने अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाया है क्योंकि गाई जो हमारा डेजर्ट एरिया है ना वहाँ पर अगर हम रेलवे ट्रैक्स लगाएंगे तो डेजर्ट में जो सैंड है ना जब उनके ऊपर से ट्रेन आपकी मूव होंगी तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी पूरी वो बनाई गई है पूरे ट्रैक्स बनाए गए हैं वो ट्रैक्स कहीं ना कहीं जमीन के अंदर धस जाएंगे जिसके अंदर से मूवमेंट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस होगी हमारे लिए दैट्स वाई जो वेस्टर्न एरिया है फॉरेस्ट एरिया है एमपी का छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड में यहां पर जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो बनाना अभी भी डिफिकल्टी फेस आ रही है हमारे पास अब बताइए यहां तक सही है उसके बाद हम बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन इसके बारे में बात करने वाले हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी तरीके से तो बताइए ठीक है आपको पता है वैसे भी गवर्नमेंट एफडीआई फॉरन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 थाउजेंड तक बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है जिसमें हमारा जो रेलवे नेशनल रेल प्लान है हम रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं चीज़ों के साथ उसके साथ साथ हमारे न्यू ऑनलाइन वेंडर हैं उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं जो रिसर्च है डिजाइन है उसमें एफ आ रही है तो इस वजह से हम एक तरीके से रेलवे नेटवर्क के ऊपर फ्यूचर में इसको ग्रो करना चाहते हैं फाइन क्लियर है अब हम बात करते हैं पाइपलाइन के बारे में गाइज हमारा पाइपलाइन थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है किसका आपका रोड का इसके बाद हम बात करेंगे आपका के और उसके बाद एयरवेज फिर हम बात करेंगे कॉम्युनिकेशन से 20 मिनट्स का टॉपिक और बचता है फिर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी जापान भी इन्वेस्ट करेगा वही चीज मैं कह रहा हूं जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है रेलवे नेटवर्क में ठीक है कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताइए यहां तक ऑल क्लियर ओके गाइस कल हमारी मॉर्निंग में वन आफ्टरनून में वन पीएम पर जो क्लास है ना वो वेटलैंड की है वेटलैंड की इंपॉर्टेंट क्लास है उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप लोग खुश होंगे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोग अभी तो सीरियस हो नहीं अभी तो सीरियस हो नहीं मुझे पता है टेन क्लास की एनसीआरटी कौन पढ़ता है सर कभी किसी टॉपर ने किसी ने भी नहीं बोला कि ये क्लास की सीरियस है। ठीक है अगर हम बात करें हम इलेवन क्लास की एनसीआरटी स्टार्ट करेंगे कल से नहीं करेंगे पर कल आपका नाइन थर्टी वाला सेशन ऑफ रहेगा कल आपका जो सेशन है वन पी पर यूट्यूब पर वेटलैंड पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद आपका 3 पी पर जो जोग्राफी की टॉपिक वाइज होती है उसमें रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे ऐप पर कोड है कैपिटल ए एम टेन फाइव पर पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आपका 9:30 पर कल नहीं परसों डे आफ्टर टुमारो हमारा इलेवेंथ क्लास की इंडियन ज्योग्राफी की जो एन है वो स्टार्ट होने वाली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एन है क्लास इलेवेंथ की जो एन है वो स्टार्ट होने वाली है विच इज वन एन द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एन ये दोनों एन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी उसके बाद पढ़ाएंगे थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी सी है ना उसको नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि कितना चल रहा है ट्वेंटी फोर है अराउंड अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड दो तीन दिन अप्रैल तक या इसी मंथ में 11th को कंप्लीट कर देंगे फिर कहां पर आएंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी पर वो सॉरी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और वो एनसीईआरटी क्या कहने हो उस एनसीईआरटी के बस आप पूछिए मत इतनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसको हम कवर करेंगे विद डिटेल के साथ विद डिटेल प्रोस्पेक्टिव के साथ ठीक है ओके okay, ठीक है मेरी वजह से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे हमेशा चीजें बोलता हूं मेरा सिर्फ इतना रोल है आपकी लाइफ में कितना सिर्फ इतना कोई टीचर यूं बोल दे कि मेरा ही रोल है सारा मुझे तो पता नहीं बट मेरा रोल इतना है बाकी इतना रोल आपका है मेरे से अगर हंड्रेड टाइम्स भी पढ़ लोगे ना हंड्रेड टाइम्स तब मेरा रोल दो परसेंट से चार परसेंट हो सकता है फिर भी 96% परसेंट आपका रोल रहेगा अगर कोई आपको बोलता है मेरे से पढ़ लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना तो वो गलत बोलता है फिर बोल रहा हूं बट याद रखना कि मेरा ये दो परसेंट रोल बहुत ज्यादा है आपका 90% परसेंट रोल है ये अपने आप में परसेंटेज में बहुत ज्यादा दिख रहा है बट विदाउट दिस टू परसेंट नाइनटी एट परसेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट इस 98% में आप मेरे 2% परसेंट को 100 टाइम्स भी आप देख लोगे ना तब भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी इसीलिए बोलता हूं कि जब तक खुद से चीजें स्टार्ट नहीं करोगे जब तक खुद से वर्क नहीं करोगे हार्ड वर्क नहीं करोगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी चीजों के साथ ठीक है तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कीजिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि इफ यू इफ यू वन टेक एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन देन गो फॉर इट डिले मत कीजिए ये मत सोचिए कि सर हम आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शन लेंगे मैंने बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने दो साल तीन साल अपने टाइम के इसी फेज में निकाल दिए और बाद में रिग्रेट करते हैं क्यों क्योंकि फिर उनके ऊपर मेंटली प्रेशर फैमिली प्रेशर सब चीजों का प्रेशर बुढ़ापा आ रहा है सर शादी करने के लिए बोल रहे हैं घर वाले क्या करें कैसे करें वो तभी पॉसिबल हो पाएगी चीज़ें कि उस मेंटल प्रेशर को जितनी कम एज में आप सब्सक्रिप्शन लेके चीज़ों को बेटर कर लोगे बिकॉज आप जब दो तीन साल बाद यूट्यूब में सारी चीज़ें इधर उधर से पढ़ोगे ना वहाँ पर आधा अधूरा एस का कंटेंट पढ़ के फिर आप जब यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तब आपको पता लगेगा और आपको अगर अपना लेवल चेक करना है ना तो जिसको भी डाउट है वो आ जाना एक बार तीन बजे जोग्राफी के सेशन में और फाइव पी एम पॉलिटी के सेशन में अनअकेडमी ऐप पर एम टेन कोड है फ्री क्लासेज हैं लेवल पता लग जाएगा कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो जब पता लगेगा कि वहां पर फिफ्टीन क्वेश्चन है टू क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं थ्री क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तब लेवल पता लगेगा कि कहाँ पर हम जी रहे थे और उस जगह से कैसे बाहर निकलना है अभी जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ एम लेके आ रहा हूँ जोग्राफी के चैप्टर वाइज चीज़ें भी लेके आएंगे पॉलिटी तो कवर हो ही रही है चीज़ों के साथ इन्वायरमेंट भी कवर हो रही है वन पी बट आप रेगुलर हुई है मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोगों की वॉचिंग कहाँ भाग गई है अरे आफ्टरनून में हमारी 9:30 वाली क्लासेस में 150 फिफ्टी स्टूडेंट तो रेगुलर होते थे 200, 300 तक वाचिंग जाने लगी थी 400 तक भी गई है बट आप लोग पता नहीं अब कहाँ गायब होने लगे हो फिफ्टी सिक्सटी 70, सेवेंटी फाइव कैसे थक, थक गए हो क्या या अभी तक होली का फेस्टिवल ही खत्म नहीं हो पा रहा है रेगुलर आए करो ठीक है लाइक like शेयर करते रहो पाइपलाइन के बारे में आपको पता होगा गाइज जो हमारा आपने देखा होगा जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो पाइपलाइन के थ्रू है आज भी बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं और आपने देखा होगा जितने भी मेजर सिटीज हैं आप लोगों के भी घर पे होगा कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पाइपलाइंस के थ्रू होता है आपके घर में पानी आता होगा पाइपलाइंस के थ्रू आप लोग बोलते होंगे अरे पानी का टाइम नौ बजे से इतने बजे तक है तो कहां से आ रहा है पाइपलाइंस के थ्रू वो कनेक्टिविटी हो रही है ओके okay. ठीक है क्लियर है तो जो आपके वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था इंडस्ट्रीज में ये पाइपलाइन के थ्रू होता था बट क्या होने लगा है अब जो नेचुरल गैस है जो हमारे ऑयल है और जो हमारे और ऐसे मेटीरियल हैं जिनको हम स्लरी की फॉर्म में मान के चलिए मेरे पास कोई चीज है मेरे पास कोल है समझने की कोशिश करना मेरे पास कोल है या कोई और आइटम है ठीक है उसको मैं क्या कर रहा हूं या कोई भी ओर है कोई भी ओर है तो मैं उस ओर को क्या कर रहा हूं स्लरी की फॉर्म में कर रहा हूं उसको ब्रेक करके उसमें लिक्विड मिक्स करके पाइपलाइन के थ्रू उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो वो किसके थ्रू हो रहा है पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है क्यों क्योंकि पाइपलाइन भी एक चीपेस्ट मोड है क्यों क्योंकि सर जो रोड है रेलवे है इन पर तो मूवमेंट होगा पेट्रोल लगेगा पाइपलाइन में क्या है एक बार कंस्ट्रक्ट कर दीजिए उसके बाद उसका थोड़ा बहुत रिपेयर करना होता है और फिर कंटिन्यूसली उसको छोड़ दीजिए और अपने आप फ्लो होता रहेगा तो जो पाइपलाइन है ना ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेचुरल गैस इसके साथ साथ जो रिफाइनरीज होती हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती हैं थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर बहुत मेजरली यूज होती हैं ठीक है ओके सो सॉलिड्स कैन आल्सो भी ट्रांसपोर्ट मैंने क्या बताया कि जो सॉलिड मेटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन के थ्रू जब इसको स्लरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं किसकी फॉर्म में गाइस सर स्लरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज पाइपलाइन रिफाइनरीज लाइक ब्रोनोई मथुरा पानीपत उसके बाद बारूनी बारूनी सॉरी ठीक है मथुरा पानीपत और ये फर्टिलाइजर है ये इंटीरियर ऑफ द इंडिया में है तो वहां पर क्या होगा कि पाइपलाइंस के थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फाइन उसके बाद अगर आप देख सकते हो ये मेजर पाइपलाइंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर से वो क्रूड ऑयल की है और बाकी जो हल्का सा ब्लूइश कलर में दिख रहा होगा वो प्रोडक्ट पाइपलाइन है तो आप देख सकते हो हल्दिया में पाइपलाइन मिल जाएगी पैरादीप उड़ीसा वाला जो पार्ट है उसके बाद अगर आप देखोगे आगे जाके बुरानी पाइपलाइन मिल जाएगी उसके बाद अगर आप चीज़ों के साथ आगे यहाँ पर आ जाइए जामनगर में पाइपलाइन मुंद्रा वाला जो एरिया है यहाँ पर पाइपलाइन मिल जाएगी उसके बाद ये जोधपुर उसके बाद ये आगे कनेक्टिविटी करता होगा पानीपत ठीक है ये पाइपलाइन का एरिया है उसके बाद रतलाम वाला एरिया यहां पर ये प्रोडक्ट की पाइपलाइन है यहां पर ये कोयाली है यहां की पाइपलाइन है तो ये क्या कर रहे हैं ये आपका ऑयल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बनाई गई है ठीक है ये चीजें याद है सो थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री सर सबसे पहला है ऑयल फील्ड इन द अपर आसाम से लेकर कानपुर के बीच में है एक गुजरात से लेकर जलंधर पंजाब के बीच में है और गुजरात एक हज़ारिया हज़ीरा हज़ीरा सॉरी हज़ीरा जो गुजरात में पाइपलाइन है उससे लेके जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश है ये तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन के जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में किस किस को चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हो और दिक्कत हो तो बताइए फटाफट जल्दी से कुछ भी दिक्कत हो कि सर चीजें यह समझ में नहीं आई फटाफट जल्दी से बताइए फटाफट किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो चीजें समझ में नहीं आ रही हो फटाफट जल्दी से बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर है आगे बढ़े अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में

कोई ट्रैक बनाने की जरूरत ही है नेचुरली हमारे पास है एंड वन ऑफ द चीपेस्ट मोड है क्या आपका ट्रांसपोर्ट और आपको पता है बेसिकली कि बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती आपको कंस्ट्रक्शन करने में उसके साथ साथ जैसे ट्रैक्स हैं उनको मैनेज करना होता है उनको एक तरीके से अगर मैं बात करूं मेंटेन करना होता है इस तरीके की मेंटेनेंस रोड है बनाई फाइव इयर्स बाद दोबारा मेंटेन करनी पड़ेगी रेलवे ट्रैक है मेंटेनेंस चाहिए इसमें क्या पानी को कुछ रिपेयर करोगे क्या पानी को एक इंजेक्शन लगा दिया अच्छा थोड़ा सा लिक्विडिटी इसमें मोबिलिटी बढ़ जाएगी ताकि ईजली अच्छे से ट्रेवल हो सके ऐसा क्या है वाटर है इजिली ट्रांसपोर्ट कीजिए कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है सो दैट्स द मेन रीजन वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट और याद रखिए कि इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं लगती मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं लगती और दूसरा पॉइंट है लीस्ट एनर्जी कंजप्शन जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो बहुत ही कम है देखिए इस समय मुझे नहीं लगता कि अनएकेडमी के साथ चीज़ें और बेटर हो सकती हैं इससे कुछ क्योंकि इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं ना वो सब अनएकेडमी पर है अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइज है अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में जाओगे ना गाइज तो ऑप्शनल के साथ टेस्ट सीरीज के साथ अराउंड थ्री लैख का अप्रोक्स है और वहीं पर अन एकेडमी फिफ्टी थाउजेंड में आपको पूरा पर्म्स पूरा मेन्स पूरा ऑप्शनल पूरा इंटरव्यू सब देती है और आप ए एम टेन कोड यूज करोगे तो अभी ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है प्लस थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन इससे बेटर कुछ नहीं है आपके पास कभी भी देखिए किसी भी टाइम देखिए एक एजुकेटर समझ नहीं आता दूसरे पे पढ़िए आपकी पूरी आपकी दादागिरी चलने वाली है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों के साथ कर सकते हैं ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको अगर हैवी और बल्की गुड्स लेके जाने हैं तो आप वाटर वेज के थ्रू ले जा सकते हैं उसके साथ साथ जैसे बोट्स हैं तो वाटर में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम होती है जो रोड और रेलवे में होती है उसके साथ इको फ्रेंडली है पॉल्यूशन नहीं है कुछ भी शिप्स चल रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ही कम है अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्ट में वहीं पर जो रोड है रेलवे है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में पॉल्यूशन है बट इसमें कुछ नहीं है सो वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्की गुड्स को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना हो इट इज़ अ फ्यूल एफिशियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ये फ्यूल एफिशियंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली अगर हम बात करें ठीक है अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर बेसिकली आपको पता होगा दो टाइप के वाटरवेज है एक है इनलैंड वाटरवेज मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर ही है और दूसरे हैं हमारे वाटरवेज जो हमारे सी और ओशन की तरफ है तो जो इनलैंड वाटरवेज हैं इंडिया के अंदर दीज आर सम मेजर जैसे पहला है गंगा रिवर के ऊपर है गंगा रिवर के ऊपर कौन सा है इलाहाबाद और हल्दिया जो 1620 किलोमीटर का नेटवर्क है इलाहाबाद और हल्दिया का अगर आप देखोगे गंगा रिवर यहां पर यह इलाहाबाद है और यहां पर यह हल्दिया है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल और यूपी में वाटरवेज नेशनल वाटरवेज वन और ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है क्लियर है कौन सा इनलैंड दूसरा है आपका कौन सा जो साडिया से डुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये डुबरी देख रहे हो और सदिया साडिया यहाँ पर ये देख रहे हो तो ये वाटरवेज वन है नेशनल वाटरवेज टू है सॉरी नेशनल वाटरवेज टू है किसके ऊपर है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है उसके बाद नेशनल वाटरवेज थ्री है जो केरला और बेसिकली आपका 205 किलोमीटर पर यहाँ पर है केरला में वेस्ट कोस्ट कैनाल यहाँ पर ये नेशनल वाटरवेज थ्री है उसके बाद यहां पर फोर फाइव इस तरीके से ये वाटर वेज है क्लियर है तो ये वाटरवेज किस चीज़ के लिए हैं गई हमारे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज हैं बट वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारे वाटरवेज हैं वो एक तरीके से क्या होता है उसकी कुछ इनलैंड वाटरवेज की लिमिटेशंस है जो हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी कुछ लिमिटेशन है सर क्या लिमिटेशन है जब हमारे इंडिया में है ना मानसून आता है तो ये रिवर बहुत बढ़िया से भर के चलती है तो उस टाइम पर जो बोट्स होती है ना वो एक तरीके से डिफिकल्टी फेस करती है तो मानसून के टाइम में लिमिटेड हो जाता है जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन है ये पहला हो गया समझ में आ गया उसके बाद क्या होता है सर मानसून सीजन में तो भर के चलती हैं जब ड्राई सीजन आता है रेनफॉल नहीं होती तो हमारी रिवर्स ड्राई हो जाती हैं हमारी रिवर्स सूख जाती है। तो फिर ये दूसरा हमारे साथ इंपॉर्टेंट इश्यू आ जाता है समझ में आ गया ठीक है उसके उसके साथ क्या है 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 बाद जो आपके है, जो आपके स्टेट हमारे साउथ इंडिया वहां पर जो रॉक्स है ना वो हार्ड रॉक्स है तो हार्ड रॉक्स होने के कारण वहां पर बोट्स है ना इजीली नहीं चल पाती और वहां पर वाटरफॉल्स भी है तो वाटरफॉल्स से अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये बोट जा रही है और एकदम बोट नीचे आएगी फिर दोबारा इस तरीके से तो इस वजह से वाटर जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है उसी के साथ साथ जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका जो वाटर ये सारी चीज़ें हैं ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कि हमारा जो इनलैंड वाटर है ना वो इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है जो यूरोप और आपके यूएस से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यू एस ए में आपको पता होगा जो ग्रेट सुपीरियर लेक है जो आपकी फाइव लेक्स हैं ग्रेट लेक्स उसके बाद जो यूरोप में जो आपकी रिवर्स हैं आपकी कंट्री टू कंट्री आपकी मूव हो रही है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उतना सक्सेसफुल इंडिया के अंदर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है वहीं पर अगर हम बात करें हमारा इनलैंड के साथ साथ हमने क्या किया कुछ मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर इन मेजर पोर्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं अपना वर्ल्ड लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं वर्ल्ड लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है समझ में आ गया ओके okay. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट है मुंबई पोर्ट ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसके बाद गुजरात में कांदा पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है गोवा का पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में न्यू मंगलोर पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है केरला में कोची पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में टुट्टी पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है चेन्नई में अन्नौर पोर्ट इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में उसके बाद उड़ीसा में पैरादीप

यहां पर क्या है जो गुजरात है अगर आप देखोगे चीजों के साथ यहां पर आइए तो यहां पर आपको कांधला पोर्ट दिखेगा ये हमने क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें इस पोर्ट को बनाने की जरूरत पड़ी कोई बताएगा हमें क्यों जरूरत पड़ी ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद हमें इस पोर्ट का बनाने की क्यों जरूरत पड़ी समझ में आ गया नहीं हमें क्यों जरूरत पड़ी पता है इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि हमारा जो पहले काम था ना वो कराची पोर्ट से चल रहा था जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान में

पोर्ट है और जो मुंबई है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था ट्रेड को लेके तो उसका जो ट्रेड है उसका जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट बनाया जो गुजरात में है ठीक है समझ में आ गया उसके बाद दूसरा है मुंबई इट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एलवेस सल्टेड हार्बर दैट मींस इसका जो नेचुरल हार्बर भी है किसका जो मुंबई है फिरत जवालान एयरपोर्ट एक प्लांट पोर्ट है एक तरीके से आपको पता होगा मुंबई में ठीक है उसके बाद है आपका मारमुगा पोर्ट इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना मारमुगा पोर्ट जो गोवा में है ये आयरन ओर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और अराउंड 50 परसेंट जो आपका इंडिया का आयरन ओर है वो इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है मोरमगा पोर्ट जो गोवा का है उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट है कर्नाटका का यहाँ से जो आयरन ओर है जो कुदुरमर माइन से कर्नाटका में वहाँ का जो आयरन ओर है वो इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है कोची पोर्ट जो आपका लगून है नेचुरल हार्बर है केरला में यहाँ से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट टुट्टी कुरुन तमिलनाडु में है ये पोर्ट नेचुरल हार्बर है एक तरीके से और यहाँ पर जो कार्गोज है नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका और उनके साथ जो मेजर ट्रेड है वो इसी पोर्ट से होता है चेन्नई पोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल दैट मीन्स मैन मेड पोर्ट है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कौन सा आपका चेन्नई पोर्ट और इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रेड दैट वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम बात करें मुंबई के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है आपका और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है और याद रखना आयरन ओर का अच्छा एक्सपोर्ट होता है पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है आयरन और का अच्छा एक्सपोर्ट होता है कल, कल, कल कलकत्ता पोर्ट रिवराइन पोर्ट है रिवराइन पोर्ट है दैट मीन्स रिवर्स है उनके सेडिमेंट्स के कारण जो पोर्ट है रिवराइन पोर्ट है दिस पोर्ट सब सब वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र और एक टाइडल पोर्ट है और याद रखना कि जो हुगली रिवर है हुगली नहीं इट्स हुगली रिवर जो हुगली रिवर है ना हुगली रिवर के जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर डिपोजिट होने के कारण ही इसके कारण ही हमें फरक्का का बैराज बनाना पड़ा ताकि जो हमारा कलकत्ता पोर्ट है वो एक तरीके से आपका वर्किंग कंडीशन में रहे क्योंकि जो हुगली रिवर है उसमें सिल्टेशन होने के कारण जो पोर्ट है ना उसकी डेप्थ कम हो गई थी तो हमारे जो शिप्स है वो नेचुरली नहीं आ पा रहे थे तो इसी वजह से चीजें हल्दिया पोर्ट आपको पता है सब्सिडरी पोर्ट है अगर मैं बात करूं कलकत्ता पोर्ट का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया था सो दीज आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ द इंडिया समझ में आ गया ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स है अब अगर हम बात करें एयरपोर्ट एयरवेज की इतना टाइम हो चुका है सेशन को लाइक शेयर करते रहिए यहां तक चीजें क्लियर हैं बताइए फटाफट इम्पॉर्टेंस ऑफ एयरवेज़ एयरवेज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अगर आपको यू एस से ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत जल्दी आपका यू एस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वहीं पर अगर हम वाटर वेज के थ्रू करें तो बहुत टाइम लगेगा वहीं पर अगर पेरिशेबल गुड्स हैं पैरिशेबल आइटम्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं गोल्ड हो गया डायमंड हो गया उनका अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो या इम्पोर्ट करना हो तो वो भी हम एयरवेज के थ्रू करते हैं इट मींस ये फास्टेस्ट है और मोस्ट कंफर्टेबल है उसके साथ साथ प्रिस्टीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कोई भी किसी भी टेरीन कंडीशन टफ कंडीशन कहीं भी पहाड़ों की चोटी पर लेके चले जाइए जहां पर कोई नहीं जा सकता वहां पर एयरवेज़ के थ्रू हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहां पर रोड नहीं जा सकती जहां पर रेल नहीं जा सकती जहां पर वाटरवेज नहीं जा सकते वहां पर एयरवेज जा सकती है और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ईज़िली हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये एक तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो हमारे मेजर रीजनस हैं वहाँ पर हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर भी ट्रांसप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बट ये एक्सपेंसिव है थोड़ा सा अगर हम बात करें ये एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपका जो एयरवेज है ये पॉइंट याद रखना आपको उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन देखिए गाइस कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब अगर हम हैं हम चीजों को ठीक है फाइन तो क्या हो गया जो एयरवेज हैं अगर मैं बात करूँ तो एयरवेज का ये चीज कम्युनिकेशन हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं कम्युनिकेशन दो तरीके से होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल ठीक है तो बेसिकली अगर आपको पता होगा उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो आपका लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं हम किसी को हमें कुछ बात बोलनी है तो हम लेटर लिख के बोलेंगे बट इट टेक सम टाइम फास्टेस्ट मोड क्या है हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं सडनली एक क्लिक यहाँ किया वहाँ पर सेंड हो गया उसके साथ साथ टेलीफोनिक हेलो ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये भी एक मोड ऑफ कॉम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन और कॉम्युनिकेशन ये इंटरलिंक एक दूसरे के साथ करते हैं अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करना है अगर हमारा कोई भी कॉम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है सो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वहीं पर आपको पता है अगर आपको कॉम्युनिकेशन दो तरीके से होती हैं एक तो होती है किसी स्पेसिफिक पर्सन को कॉम्युनिकेशन करना है मान के चलिए मुझे कॉम्युनिकेशन करना है सिर्फ एक पर्सन से अगर कोई स्टूडेंट है शिवम मेहमान के चलिए मुझे शिवम से कॉम्युनिकेट करना है तो मैं शिवम को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा पर्सनल मेल करूंगा या पर्सनल कोई लेटर भेजूंगा बट अगर मुझे मास कम्युनिकेशन करना है बड़े लेवल पर करना है मुझे सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं इंटरनेट के थ्रू या मैं किसी रेडियो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा रेडियो पे मैंने एक बार बोला तो सबको सुनाई दे जाएगा या मैं टेलीविज़न के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा तो ये क्या है मास कम्युनिकेशन है या मैं किसी भी तरीके से आपको जो यूट्यूब है इसके थ्रू लाइव वीडियोज़ के थ्रू कॉम्युनिकेट कर रहा हूं तो मास कम्युनिकेशन है दैट मीन्स मैं मास लेवल पर कम्युनिकेट कर पा रहा हूं स्टूडेंट्स के साथ समझ में आ गया सो so, वही रीजन्स है कि जो मास कॉम्युनिकेशन है उसके अंदर टेलीविज़न भी है रेडियो भी है प्रेस है फिल्म है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कॉम्युनिकेशन ये मास कॉम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है दैट मीन्स वी कैन कॉम्युनिकेट एट मास लेवल फाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल हैंडल बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट अलग अलग मेल होते हैं फर्स्ट क्लास मेल होता है जिसमें कार्ड्स एंड एनवल आर एयर लिफ्टेड मतलब एयर फ्लाइट्स के थ्रू किए जाते हैं और बोथ लैंड और एयर दोनों के थ्रू चीज़ें उसके बाद सेकंड क्लास मेल होता है जिसमें बुक के पैकेट्स होते हैं न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके साथ साथ ये सरफेस के थ्रू किए जाते हैं या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसके बाद मास कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है जैसे आप टेलीविज़न देखते हो घर में मूवीज़ आती हैं ये क्या है एक एंटरटेनमेंट का साधन है एक मास लेवल पर एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं और मास लेवल पर चीज़ों को सो मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट देख ट द अवेयरनेस न्यूज आती है मास लेवल पर है सब लोग है रिपब्लिक टीवी हो कोई भी हो पूछता है भारत चाहे भारत पूछता है ये नहीं पूछता बट उनको बताना है क्योंकि मास लेवल पर उनको पूछवाना है भारत से चाहे भारत ने पूछा ना हो कुछ भी पर वो जरूर बताएंगे कि भारत पूछता है नहीं तो वो जो मास कम्युनिकेशन है न्यूज के थ्रू या सबसे तेज भी जो लोग हैं वो भी सबसे तेज आपके पास मास लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसी को हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन दे क्रिएट द अवेयरनेस अमंग इश्यूज चाहे आपका यूक्रेन क्राइसिस हो चाहे यूपी इलेक्शन हो सबसे तेज और बाहरा सबसे जल्दी पूछ रहा है तो ये आपका मास कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है आपको जो चीजों के साथ प्रोवाइड करवाई जा रही है फाइन यहां तक चीजें क्लियर है वहीं पर अगर हम बात करें ये हो गए मास कम्युनिकेशन के बारे में ये आपको पता होगा अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाया जाता है मास कम्युनिकेशन आपने देखा होगा डीडी हिंदी इंग्लिश के न्यूज़ चैनल हैं हिंदी में है मलयालम में है तेलुगू में है उर्दू में है हर चीज़ में है आपकी ठीक है ओके वहीं पर दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बात प्रोवाइडिंग न्यूज़ इंफॉर्मेशन टू द मासेस हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं सो so, चीज़ों के साथ इनका काम है वो अलग बात है कि आज की जनरेशन आज के टाइम पर जो मीडिया है एक तरीके से मैं बोलता हूं इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी अगर हम बात करें लेजिस्लेशन हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया जुडिशरी हो गया वहीं पर अगर आपका मीडिया इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ़ द डेमोक्रेसी बट वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है अच्छे से क्योंकि totally मीडिया इस बात करूं वो जो भी गवर्नमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके साथ चीजों के साथ फेवर कर रही है किसके साथ कर रही है जो भी गवर्नमेंट आती है मीडिया अपना फेवर करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे पता है कि पूरा बिजनेस एंड ऑल सब कुछ जो आपके प्राइवेट लॉबीज़ हैं वहीं से चीज़ें आ रही हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है एडवर्टीज़मेंट एंड ऑल तो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो मीडिया बायज हो जाती है उनके फेवर में जो पूछते हैं भारत से जो सबसे तेज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी कही न कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है वो प्रॉपर भारत से ढंग से नहीं पूछ पा रहे हैं वो सबसे तेज सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं तो ये इशू हमारा जो मीडिया का है वो जो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को करने की बात करते हैं जो बुक्स में बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly नहीं हो पा रहा है अगर मैं बात करूं हर एक लेवल पर समझ में आ रहा है चीजों के वहीं पर अगर हम बात करें इट हेल्प इन एग्रीकल्चर सेक्टर वहीं पर आपने देखा होगा एक न्यूज चैनल आता है डीडी किसान डीडी किसान क्या करता है जो फार्मर्स है उनको कैसे क्रॉप लगानी चाहिए क्या क्या, क्या कंडीशन होनी चाहिए कैसे सॉइल को चेक करना चाहिए तो उस लेवल पर फार्मर की भी हेल्प कर रहा है दूरदर्शन नेशनल चैनल है आपको पता है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क अगर हम बात करें आपके टीवी एंड ऑल में ठीक है उसके साथ साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर पब्लिस्ड हमारी कंट्री में वो हिंदी में है उसके बाद इंग्लिश में और उर्दू में इंडिया में और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूचर फिल्म सर हमारे यहाँ फीचर फिल्म तो ऐसे बनाते हैं अक्षय कुमार जी से बोल दो तीन महीने में पांच मूवी बनानी है पांच मूवी बना देंगे पंद्रह दिन में मूवी बना खत्म कर देंगे ये हॉलीवुड वाले पागल है इनको पांच पांच साल लग जाते हैं एक मूवी बनाने में और वहीं पर वी इंडियंस आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म टाइम नहीं लगता दस दिन में मूवी बना के आ जाते हैं कुछ भी करके आ जाते हैं सो इसी वजह से हम सबसे ज्यादा मूवीज भी बनाते हैं और वही रीजन है कि वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं ठीक है ओके वहीं पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड गाइज जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका मतलब है कि जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ हम व्यापार कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ वो हम सर्विसेज में सर्विसेज मतलब जरूरी नहीं कि जो गुड्स है उसी को करें हम यूएसए को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी बैंकिंग या किसी भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो so वो भी तो एक ट्रेड का ही पार्ट है अगर हम क्या कहते हैं किसी भी कंट्री से कोई कंट्री है ईरान या कोई कंट्री है इसराइल वो हमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजी को दे रही है अपनी सर्विसेज दे रही है वो भी एक ट्रेड का पार्ट है क्योंकि उसमें भी पैसे होंगे वो वो बोलेंगे इतने रुपीज में आपको मिलेगी ये सर्विसेज सो इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड तो ट्रेड एंड सर्विसेज वहीं पर इट इज आल्सो कंसीडर एज अ इकोनॉमिकल बैरोमीटर बिकॉज एडवांसमेंट इंटरनेशनल टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इट मीन्स अगर हमारा ट्रेड जितना ज्यादा होगा और याद रखना ट्रेड में भी हमारा जो इम्पोर्ट होगा समझने की कोशिश करना जो इम्पोर्ट होगा वो जितना कम होगा और एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उतना ही बढ़ेगी क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट में तो हम अपने कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री को दे रहे हैं बट जब हम चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं दैट तो मीन्स हम अपना गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उस, उसके रिटर्न में पैसा मिलता है उसके रिटर्न्स में हमें फ़ॉरन एक्सचेंज मिलता है मैं एक ट्रम अभी आपको पढ़ाऊंगा बी ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट वो चीज़ें बताऊंगा तब आपको पता लगेगा व्हाट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है अगर हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में होगा इट मीन्स वो हमारे लिए अच्छा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में होने का मतलब है कि हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो ज़्यादा किया है और इम्पोर्ट है वो हमारा कम हुआ है ठीक है तो वहीं पर अगर हम बात करें जो इनकम है इंटरनेशनल ट्रेड से वो नेशनल इनकम और हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आ गया टर्न बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है अगर हमने एक्सपोर्ट किया और हमने इंपोर्ट किया अगर हमने एक्सपोर्ट किया अगर हमने एक्सपोर्ट किया, किया, किया वन लाख डॉलर का एग्जाम्पल बता रहा हूं वन लाख डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया उसके साथ साथ हमने इंपोर्ट किया एट्टी थाउजेंड डॉलर का इट मींस कि हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर हमारे पास पॉजिटिव में है दैट मींस हमने अपना प्रोडक्ट या अपने गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट किया इट मीन्स जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो पॉजिटिव में होगा सो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड इट मीन्स जो हमने कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इट मीनस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में रहेगा हम अच्छे रहेंगे हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही होगी जो चाइना है वो क्यों ग्रो कर रही है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है इंपोर्ट कम करती है जिसके कारण उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव में है और इसी वजह से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है फाइन वहीं पर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट इट इज कैलकुलेट बाय द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमारी वैल्यू एक्सपोर्ट की ज्यादा होगी इंपोर्ट की कंपेयर में तो हम बोलेंगे जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो हमारे लिए फेवरेबल है फेवरेबल है दैट मीन्स हमारे फेवर में है क्योंकि तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए एंड इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर अगर हमने इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया तो हमारे लिए अनफेवरेबल है क्योंकि वो अच्छी नहीं है कहीं से भी एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ रिगार्डेड एज द गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो गुड होता है अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं इट मीन्स हमारी ग्रोथ अच्छी होती है समझ में आ गया क्लियर है तो उसके बाद हम टूरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं टूरिज्म हम लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म से क्या आता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर्स में पैसे आएंगे अब हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा कल की क्लास में पढ़ाया था तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो हम दूसरी कंट्री के साथ जब एक्स इम्पोर्ट करेंगे वहां से चीज़ें तो हम उसको उसी के डॉलर में उसी के उसमें हमें पेमेंट करना होता है तो उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी हम चीज़ों को इंपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं और इंडिया के अंदर ओवर 2.6 मिलियन फॉरेस्ट या फॉरनर्स एवरी ईयर ट्रेवल करते हैं ये नंबर्स अब और भी ज़्यादा हो गए हैं एंड मोर देन 15 पीपल डायरेक्टली एंगेज दैट मीन जो हमारे टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर जो आपके जो ड्राइवर्स हैं टैक्सी के जो गाइड्स हैं और जो आपके सेल्समैन हैं जो आपकी मार्केट्स हैं अराउंड 15 मिलियन लोग डायरेक्टली एंगेज हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री से और वहीं पर जो टूरिज्म है अगर हम उसको प्रमोट करते हैं वो नेशनल इंट्रिगेशन को प्रमोट करता है उसके साथ साथ जो हमारा लोकल कल्चर है हेंडी है वो प्रमोट होता है एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दैट मीनस हमारी जो अदर कंट्रीज के साथ हेरिटेज है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती है आपने देखा होगा हम कंट्री के अलग अलग आपने देखा होगा जापान के साथ कल्चरल लिंक बना रहे हैं उनकी सिटीज़ के बेसिस पर हम अपने यहाँ वाराणसी और उन सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं क्यों क्योंकि हम उनके साथ कल्चरल जो हेरिटेज है उसको रिलेट कर कर कल्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं चीज़ों के साथ इसी वजह से टूरिज्म का भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया आपको पता है राजस्थान गोवा जम्मू कश्मीर ये टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पर जो साउथ इंडिया के टेम्पल है यहाँ पर

समझ में आ गया चीजों के साथ किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए पूरी टेंथ क्लास की एनसीआरटी कंप्लीट हो गई है पूरी टेंथ क्लास की एनसीआरटी कंप्लीट हो गई है फटाफट फड़ बताइए जल्दी से यहां तक चीजें क्लियर हैं कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए नहीं रशिया में जो फॉरेक्स रिजर्व होगा वो रशियन उसमें देना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रशिया अगर चाहता है और रशिया एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं डॉलर में आपसे पेमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा तो हम डॉलर में दे सकते हैं रशिया को क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम की डील हुई है रशिया के साथ थर्टी परसेंट कम प्राइस में वो हमें पेट्रोलियम क्रूड ऑयल देगा वहीं पर वो उसके ऊपर है जो उसका लोकल करेंसी है अगर उसमें हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होगा वो उसमें मांगता है तो हमें उसमें देना पड़ेगा इफ़ दे एक्सेप्ट और दे रिसीव इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो हम डॉलर में भी दे सकते हैं अगर वो एग्री करते हैं उन चीज़ों पर हम दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इंडिया में गुड्स भी अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज भी सर्विसेज भी बहुत अच्छे पर क्योंकि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर चुका है तो इस वजह से हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वी आर द चीप सर्विस प्रोवाइडर हम बहुत सस्ते में सर्विस प्रोवाइडर कर देते कल ही बताया था इंजीनियर बहुत सस्ते है, सर हैं सर हमारे यहाँ तो हम सर्विस की जो कॉस्ट है ना वो बहुत सस्ती है इंडिया की सो हम सर्विस भी अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को हाँ फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है दूसरी करेंसी फॉरेक्स रिजर्व का मतलब फॉरन रिजर्व फॉरन करेंसी का रिजर्व को हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं ठीक है उनका कितना रिजर्व है क्योंकि जब हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं ना दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ परचेस करते हैं तो उन्हीं की करेंसी में हमें पेमेंट करना होता है ये चीजें याद रखिए फाइन अरे बहुत बढ़िया है अच्छे से चीजें पढ़ते रहिए मोर देन सफिशियंट चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल में कहीं पर नहीं मिलेंगी मिलेंगीके मलिक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट कोई भी नीचे मेंशन कर देगाडमी अंडर स्कोर अनरुद्ध मलिक ठीक है उसको नीचे आप करिए आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगे ठीक है उसके साथ साथ मुझे अनअकेडमी ऐप पर फॉलो कर लीजिए अनएकेडमी ऐप पर फॉलो कर लीजिए क्यों फॉलो कर लें क्योंकि 3 पीएम पर हमारा ज्योग्राफी टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूँ अनअकेडमी ऐप पर 3 पीएम पर और 5 पीएम पर पॉलिटी करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज एम लक्ष्मीकांत पूरी टॉपिक वाइज और 3 पीएम पर ज्योग्राफी टॉपिक वाइज कल रॉक्स का टॉपिक होगा और फ्री क्लास है बस कैपिटल ए एम कोड यूज करना कैपिटल ए एम टेन और इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी कैपिटल ए एम टेन ओके और यहां पर आप फॉलो कर लीजिए आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा वहीं पर जो अनकेडमी सब्सक्रिप्शन है एक या दो दिन का ऑफर है जिसके अंदर पूरी प्रलिम्स मेन्स ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू इसकी पूरी प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिल रही है जिसमें आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट है प्लस थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है दैट मीन्स यू कैन सेव फिफ्टी फोर थाउजेंड और जैसे ही आप ए एम टेन कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट और थ्री मंथ्स का ऑफ आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाएगा जस्ट यूज दैट कोड कैपिटल ए एम टेन उसी के साथ साथ आपको मेरी मेंटरशिप आपको मेरी गाइडेंस स्ट्रक्चर कोर्स टाइम टेबल सब कुछ मिलने वाला है ठीक है तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए यूज दैट कोड कैपिटल ए एम टेन आपको चीजें सारी मिल जाएंगी मेरे एंड से मेंटरशिप गाइडेंस और अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुररुद्ध मलिक मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स के साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन आप चीजों के साथ एनरोल कर सकते हो क्लियर है गाइज तो थ्री पी कल वन पी पर इन्वायरमेंट की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं बाय टेक केयर सी यू कल मिलते हैं वन पी एम थ्री पी एम फाइव पी और परसों से इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल ओके सो बाय टेक केयर सी यू